वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारी आज की कहानी एक ऐसी महिला के ऊपर है जिन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। एक ऐसी महिला जिन्हें हम चिपको वुमेन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ा संघर्ष किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरा देवी जी के बारे में। आइए आज उनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। गौरा देवी जी का जन्म 1925 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के लाता गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम नारायण सिंह था। गौरा देवी ने कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। मात्र 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह रेणी गांव के मेहरबान सिंह से हुआ। जब गौरा देवी 22 वर्षीय थी तब उनके पति का देहांत हो गया। तब उनका एकमात्र पुत्र चंद्र सिंह मात्र 2.5 साल का था। गौरा देवी ने ससुराल में रह के छोटे बच्चों की परवरिश और बूढ़े सास ससुर की सेवा की और साथ ही खेतीबाड़ी भी की और कारोबार के लिए अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र को आत्मनिर्भर बनाया। उन दिनों भारत तिब्बत व्यापार हुआ करता था। गौरा देवी ने उसके जरिए अपने जीवन को चला। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत तिब्बत व्यापार बंद हो गया तो गौरा देवी जी के बेटे चंद्र सिंह ने ठेकेदारी, उन्हीं कारोबार और मजदूरी द्वारा जीवन चलाया। 1970 की अलकनंदा की बाढ़ ने नई पर्यावरण सोच को जन्म दिया। लोगों में बाढ़ रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ी। इस कार्य के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री चंदी प्रसाद भट्ट जी ने पहल की। उन्होंने गोपेश्वर जिले चमोली में कार्यरत संस्था दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल के स्वयं सेवकों को बाढ़ सुरक्षा कार्य करने के साथ साथ बाढ़ आने के कारणों को भी समझाया। इसके साथ ही भारत चीन युद्ध के दौरान बढ़ते मोटर मार्ग के बिस्ते जालों से पर्यावरण में होने वाले समस्याओं को भी बताया। 1972 में गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी। 10 जनवरी 1974 रेणी गांव में सरकार द्वारा 2500 पेड़ों को काटने का ऐलान किया गया, क्योंकि रेणी गांव से एक सड़क होके गुजरनी थी। इस सड़क के निर्माण में कई पेड़ों को काटना पड़ता और गांव के लोगों के खेत भी छीन लिए जाते। इसी के विरुद्ध में 23 मार्च 1974 गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस रैली के 3 दिन बाद यानी 26 मार्च 1974 को सरकार द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया। सरकार ने रेणी गांव के सभी पुरुषों को बात करने के लिए गांव से बाहर गोपेश्वर बुला लिया और उनके पीछे से ठेकेदार और मजदूरों को पेड़ काटने के लिए गांव भेज दिया। सरकार को लगा कि महिलाएं तो कुछ कर नहीं पाएगी और उनकी मदद के लिए गांव में कोई पुरुष भी नहीं होगा, लेकिन सरकार का षड्यंत्र सरकार पर ही उल्टा पड़ गया और रेणी गांव की सारी महिला इकट्ठा हो गई और पेड़ों पे जाके चिपक गई और वहाँ से तब तक नहीं हटी जब तक मजदूर और ठेकेदार चले नहीं गए। और ठेकेदार द्वारा गोली मारने की धमकी देने पर गौरा देवी ने कहा, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। भाइयों, ये जंगल हमारा मायका है, इससे हमें जड़ी बूटी, सब्जी, फल और लकड़ी मिलती है। जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारे घर भी बह जाएंगे। अब महिलाओं का कड़ा विरोध देखते हुए ठेकेदारों को पीछे हटना पड़ा और इस तरह रेणी गांव की महिलाओं ने सफलता हासिल करी। इसके बाद चिपको आंदोलन आग की तरह पूरे भारत में फैल गया, जिसमें दो और महान लोगों का योगदान रहा, चंडी प्रसाद भट्ट जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी। और इनकी कड़ी मेहनत के बाद सरकार ने पेड़ काटने पे 15 साल की रोक लगा दी। 19 नवंबर 1986 गौरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रदान किया गया और 26 मार्च को चिपको वुमेन्स डे भी बनाया जाता है। 4 जुलाई 1991 में गौरा देवी जी पंच तत्व में विलीन हो गई। आज गौरा देवी जी इस संसार में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की हर महिला में वह अपने विचारों से विद्यमान है। हिम पुत्री की वनों की रक्षा की ललकार ने यह साबित कर दिया कि संगठित होकर महिला किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो सकती है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ।